वैक्सीनेटर और सहायक, इन दोनों पदों पे जितने लोग फार्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं या सोच रहे हैं कि मैं भरूं या ना भरूं, वो कृपया करके मैं जो आज अभी जो आपको बताने वाला हूँ उसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ बारीकी से समझिएगा। मैं जिस जिस जगह का नाम लेने वाला हूँ उस जगह को आप बड़े ही बारीकी से और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। इससे आप अपने भविष्य में जो काम करने वाले हैं, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस जगह का नाम ले रहा हूँ। और मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमरोहा, अमेठी, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, प्रयागराज, उन्नाव, एटा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, बागपत, बाराबंकी, बांदा, बिजनौर, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, महाराजगंज, महोबा, मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। और भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, रायबरेली, लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, शामली, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सांबल, सहारनपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुर, ये मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, जितने भी जिला का नाम लिया है, इन सभी जगहों पे जितने भी वैक्सीनेटर और सहायक पद के जो कर्मचारी हैं वो सभी जगहों पे रखे जाएंगे। बेधड़क होके आप अपने नज़दीकी पशु विभाग के पास, डॉक्टर के पास जाइए और जाके संपर्क कीजिए, और संपर्क करेंगे तो आपको सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेटर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पे, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब हर जगह चाहिए। और सब कुछ तो मैंने अपने वीडियो में क्लियर कर ही दिया है, अगर मेरा वीडियो और नहीं देखें तो आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सब कुछ अपडेट आपको मालूम चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।